वेलकम एवरीवन, दिस इज इमरान अब्बासी। इंग्लिश लेक्चरर इंटरव्यू के अंदर एफपीएससी पैनल के जानिब से जो सवालात मेरे साथ पूछे गए थे वो ये थे कि भाई आपकी फेवरेट, व्हिच इज योर फेवरेट जॉनरा, टेल मी समथिंग अबाउट नॉवल, नेम फ्यू पाकिस्तानी नॉवलिस्ट, और दे आस्क्ड मी अबाउट द कंडीशनल सेंटेंसेस, दे आस्क्ड मी अबाउट क्लॉज, दे आस्क्ड मी अबाउट द व्हाट आर द डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, और इससे मिलाकर बहुत सारे तकरीबन 15 सवाल आते हैं जो मैंने रिकॉल किए हैं, वो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान अब्बासी, और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो इंग्लिश लेक्चरर के जो वैकेंसीज अनाउंस करती हैं उसमें मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया था, तो 16 मार्च 2022 को मैं उसके लिए इंटरव्यू में अपियर हुआ पैनल के साथ। 4 मेंबरान पे जो पैनल मुश्तमिल था, उनमें से कौन कौन थे, एक उनमें से था सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, दूसरा साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ था, तीसरा उनका चेयरमैन बैठा हुआ था, और चौथा जो था मैनेजमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं किसी भी कैंडिडेट के अंदर, वो जज करने के लिए बैठा हुआ था। तो मैं आपको एक ओवरऑल पिक्चर दूंगा, मतलब एक एक जो है व्यू दूंगा, प्रीव्यू दूंगा कि किस तरीके से उन्होंने मुझसे सवाल पूछे, मैं किस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड किया, और आप लोग इससे किस तरीके से मुस्तफ़ीद होकर अपने तैयारी को या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेक्चरर के अभी इंटरव्यूज़ होने वाले हैं उसी हवाले से जो है ना वो आप तैयारी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये इंटरव्यू केस जो था 174 था, 2019-20 में इसकी रिटर्न हुई थी और 2022 में इसके इंटरव्यूज़ हुए हैं। तो ये पूछते हैं कि भाई इन्वायरमेंट कैसा होता है। जनरली जो सवाल पूछा जाता है कि इंटरव्यू एक किस्म का मतलब बर्डन जो है ना कैंडिडेट्स फील करते हैं कि पता नहीं क्या होगा, एक अननोन वर्ल्ड है, अनडिस्कवर्ड चीज़ है, नहीं ऐसा कोई ऐसी कोई मतलब खौफ की बात नहीं है, बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। दे वेलकम वार्मली एंड आस्क मी टू सिट डाउन कामली, दे एक्सचेंज अबाउट, दे एक्सचेंज हाउ वी फेल्ट बीइंग इंटरव्यूड। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो उन्होंने हमें बिल्कुल एक नॉर्मल फील करवाने की कोशिश की। तो उसके बाद ये भी बताना लाजमी है कि भाई जो लैंग्वेज यूज़ होती है इंटरव्यू में इंग्लिश लेक्चरर के लिए, तो मेरी जो तैयारी थी आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड दैट आई वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश यू नो फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। तो ये था बिल्कुल 90% दे टॉक्ड इन इंग्लिश, यस इन उर्दू दे टॉक 10%। तो कुछ सवाल आते, 2-4 सवाल जो उन्होंने मुझसे उर्दू में पूछे, क्योंकि वो एक फेडरल इदारा है जहाँ पर हमें उर्दू में, क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो वो जज करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई क्या मैं उर्दू लैंग्वेज सही तरीके से बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा। तो इंग्लिश और उर्दू दोनों की आपने तैयारी करनी है। अगर आपका इंटरव्यू एफपीएससी में होता है तो यू हैव टू बी माइंडफुल कि भाई टू लैंग्वेजेस, बायलिंगुअल इंटरव्यू इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड ओवर देयर। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा, आप शुरू करते हैं अपना। अच्छा, एक मैं आपको बात बता दूं कि ये इंटरव्यू होता कहाँ है, क्योंकि ये सवाल भी बाज़ औक़ात पूछा जाता है, मुझसे नहीं पूछा गया, बाकी एक दोस्त से था मेरा, उससे पूछा गया था। ये जो जिस बिल्डिंग में इंटरव्यूज़ होते हैं ना, बाय थाईलैंड की एक बिल्डिंग एफपीएससी की, उसके अंदर इंटरव्यूज़ होते हैं, वो सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल फैक्ट अबाउट दिस बिल्डिंग यू आर सिटिंग एंड यू आर बीइंग इंटरव्यूड। तो वो जो बिल्डिंग थी बेसिकली अपने जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, लियाकत अली खान का, वो घर हुआ करता था। तो एफपीएससी, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको अपनी एफपीएससी की रीजनल ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, उन्होंने पूछा कि भाई वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, दे वर रेफरिंग मी विद द नेम इमरान, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, सो आई टोल्ड देम अबाउट माई एंटायर एड्रेस। तो अच्छा, ये पूछने का मकसद ये होता है कि भाई अगर आप किसी एक मशहूर इलाके से हैं तो वहाँ से there might be some historical places famous all over the country, and there might be some historical figures, people worth mentioning. अच्छा, तो उसके बाद तो मैंने बताया they were satisfied, it was the start of the interview. तो दूसरा उन्होंने जो है ना मुझसे बात करना चाहिए कि भाई your educational record जो है record है, उन्होंने they appreciated my educational record because I have maintained 3.63 CGB in my university, expedition in my university course. तो उन्होंने बाद में मुझे मेरे जो है टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में सवालात किए, व्हाट इज़ योर टीचिंग एक्सपीरियंस, व्हाट वेयर हैव यू टॉट बिफोर एंड वेयर आर यू टीचिंग राइट नाउ। तो मैंने वो
एक अच्छी इंग्लिश में आराम आराम से मैंने उनको सारा कुछ बताया और कन्विंस किया। उनमें से उन्होंने मेरे जवाब में से कोई सवाल ना पूछा। वैसे होता ये है कि द कंटेंट दे आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम योर आंसर्स। अच्छा, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप करंटली क्या करते हैं, व्हाट हैव यू बीन डूइंग करंटली। ये भी सवाल एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि भाई दे कैन आस्क यू वेयर आर यू कमिंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग नाउडेज। इस कॉन्टेक्ट में भी आप जो है ना, ये सिर्फ उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप किधर क्या कर रहे हैं, मैंने बताया, सिंपल इज दैट। ठीक है, वहाँ तक हमारी ख़त्म हो गई। अच्छा, तो उनमें से जो सब्जेक्ट स्पेलिश था उसने स्टार्ट किया कि भाई यस इमरान टेल अस, एक लाइन है बहुत बड़ी मशहूर लाइन है इंग्लिश लिटरेचर में, भाई सम ऑफ अस आर गटर्स, वी ऑल आर इन गटर्स बट सम ऑफ अस आर लुकिंग एट द स्काई। तो ये एक बहुत मशहूर लिटरेरी कोट है। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये किसने लिखा है, तो मैंने पढ़ी हुई थी कोट, तो मैंने कहा कि भाई सैमुअल बेकेट ने लिखा है, क्योंकि ये ऐसी कोट कोई पेसिमिस्ट ही लिख सकता है। लेकिन बाद में मुझे क्लिक हुआ कि ये ऑस्कर वाइल्ड जो लिटरेचर जो है ना आर्ट फॉर लाइफ सेक का, जो आर्ट फॉर आर्ट सेक का एक प्रोपोनेंट था, उसने कही थी लाइन कि भाई वी ऑल आर इन गटर्स बट सम ऑफ अस आर लुकिंग एट द स्काई। ठीक है, क्योंकि हम सारे गटर में हैं, कुछ ऐसी लोग हैं जिनकी सोच बहुत बड़ी है, विजन बहुत बड़ा है और वो आसमां की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सवाल, चलो शुरुआत थी, आई मिस्ड आउट, लेकिन आई रिकवर्ड। मैंने कोशिश ये की कि भाई थ्रू आउट द इंटरव्यू आई मेंटेन द कॉन्फिडेंस, आई गेव देम अ कॉन्फिडेंट पोस्चर ऑल द वे। तो मैंने ये नहीं किया, मैंने कहा चलो गलत सलत जवाब मैंने देने हैं लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ठीक है, अच्छा वो आगे चल के एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी आती है कि मैं कॉन्फिडेंस लूज किया, मैंने 3-4 सवाल मैंने गलत दिए, जवाबात मैंने गलत दिए। क्यों गलत दिए ये तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मेरा जो मकसद था वो मैं उस मकसद में कामयाब हुआ कि भाई मैंने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। कि वो बाहुबली के बारे में पूछ रहे हैं, क्लियोपत्रा के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई चीन की दीवार किसने बनाई, वो पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं आता, नो इशू, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस मैंने लूज नहीं करना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई दे आस्क्ड मी बिकॉज दे आर फ्रेंड वेरी फ्रेंडली एंड ट्राइंग टू फिगर आउट डिस्कवर वीकनेसेस, मेरी मतलब जो वीक पॉइंट्स है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई आपने डिग्री किया 2018 में बीएस इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, तो आपने अभी तक हायर स्टडीज़ क्यों जो है ना वो नहीं की, मतलब एमफिल वगैरह अभी आपने ना एडमिशन लिए ना ही आपका कोई एमफिल का रिकॉर्ड है, क्यों नहीं किया। तो मैंने इसके दो रीज़न दिए कि सर देखें, एक तो हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं घोटकी से, वहाँ पर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में एमफिल कर पाए। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने बीएस किया हुआ है, वहाँ पर भी इंग्लिश लिटरेचर की जो है वो कभी ऐड देते हैं कभी नहीं देते हैं, तो वहाँ पर भी जो है ना बाकी जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर 1.5 साल में आपकी एमफिल हो जाती है, लेकिन वहाँ पर 2-2.5 साल लग जाते हैं। इसी वजह से मुझे इस यूनिवर्सिटी में करने का कोई इंटरेस्ट नहीं, हालांकि इट इज़ माय अल्मा मेटर। तो दूसरा ये कि भाई अगर एमफिल करने की जब मुझे ख्वाहिश हुई है तो मैं या तो हमें कराची आना पड़ता है या तो कोई पंजाब की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने को दिल करता है, लेकिन इन बिटवीन वी हैव टू अर्न, विदाउट अर्निंग वी कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि ये एज ही ऐसी है। तो इसी वजह से मैं जो है हायर स्टडीज़ नहीं कर सका। उन्होंने कहा ओके ठीक है, वहाँ तक तो वो सेटिस्फाइड थे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वो अभी बिल्कुल एक लिटरेचर के कूजे में दाखिल हो गए। उन्होंने पूछा कि भाई व्हाट इज़ टेल अस इन वन लाइन दैट व्हाट डिफर्स फिक्शन फ्रॉम नॉन फिक्शन। ठीक है, तो अभी फिक्शन और नॉन फिक्शन मैंने सारी उम्र ये पढ़ा है, फिक्शन नॉन फिक्शन, फिक्शन नॉन फिक्शन। तो उनके पूछने का मकसद ये था कि भाई आप हमें कोई एक चीज़ बताएं वन लाइन में। तो मैंने कहा सर फिक्शन तो इनको डिफ्रेंशिएट करते करते हमारी शाम हो जाएगी। तो मैंने बताया कि भाई इन फिक्शन, क्योंकि वो थोड़ा मतलब सेमी वैलिड पॉइंट था, इतना वैलिड पॉइंट नहीं था, मैंने कहा सर इन फिक्शन वी हैव सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स व्हिच डज नॉट मैच रियलिज्म। ठीक है, व्हाइल इन नॉन फिक्शन वी हैव द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम एक्चुअल लाइफ, जो हमारे साथ होता है एक्चुअली। ठीक है, जो ह्यूमन लिमिट्स हैं उसको देखते हुए हम नॉन फिक्शन, वही जिसमें ऐसे आता है पोइट्री आती है, वो नॉन फिक्शन होते हैं हमारे। तो फिक्शन में मैंने आप उनको बताया कि भाई जो नॉवेल्स हैं उसमें वो नॉन फिक्शन है, तो इस हवाले से मैंने उनको कन्विंस किया। उन्होंने कोई कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया।
तो उसके बाद वो बोलते हैं कि भाई चलो प्लॉट एंड स्टोरी में हमें कोई फ़र्क बताए। ठीक है, प्लॉट और स्टोरी में तो ये बहुत आसान फ़र्क है, आपने ये याद करना है। अच्छा, मैंने ये बात नोट की, जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने बड़े डीप एनालिसिस के सवाल याद किए हुए थे, मैंने बहुत बड़ी कोटेशन याद की हुई थी, पोइट्री जो है ना, लिटरेरी जो रेफरेंसेज हैं, एल्यूजन से याद किए हुए थे, लेकिन वो किसी काम के नहीं आए। एक पॉइंट ये आपने नोट करनी है कि भाई जो ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछते हैं, किसी डेप्थ में नहीं जाते। हालांकि वो मुझसे पूछते ना कि भाई जो हैमलेट के साथ मसला था, वो ऐसे चार पांच कैरेक्टर्स बताएं जो कि वही प्रॉब्लम फेस करते हों जो हैमलेट प्रॉब्लम फेस करता था। तो इस किस्म के एनालिटिकल क्वेश्चंस में कि मैं तैयारी करके गया था, बट दी इट वाज रिलेटिवली इजियर इंटरव्यू, बट लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। तो प्लॉट और स्टोरी में फ़र्क एक होता है, प्लॉट इज अ सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स दैट टेक प्लेस, व्हाट हैपेंड फर्स्ट इन द मिडल एंड एट द एंड, दिस इज कॉल्ड प्लॉट। While story is relatively bigger than plot, story में characters, settings वगैरह सब कुछ आ जाता है, spectacles आ जाते हैं characters के, और additional जो चीज़ें होती हैं story के अंदर होती हैं। Plot सिर्फ it is a sequence of the events that take place in the story, in the plot. अच्छा, तो उन्होंने मुझे बताया कि what are the types of plot? तो कुछ प्लॉट्स की टाइप बताया, मैंने दो टाइप्स बताई जो बहुत जो लिटरेचर में कम जो है कंपोज की जाती है राइटर्स की तरफ से, वो ये है कि भाई एक तो लीनियर प्लॉट होता है जिसमें मतलब इवेंट वाइज, मतलब इन सीक्वेंस, इन प्रॉपर सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स में स्टोरी बताई जाती है कि स्टोरी शुरू कहाँ से हुई, फिर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, और क्लाइमैक्स जिसमें होता है, एंटी क्लाइमैक्स होता है, रिजोल्यूशन होता है, फिर कन्फ्लिक्ट होता है, फिर फाइनल डिनाउमेंट की तरफ जाते हैं, एंड की तरफ जाते हैं, ये लीनियर प्लॉट है। और जो हमारा हमारा प्लॉट होता है नॉन लीनियर प्लॉट, जिसकी हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की मदद से जो है स्टोरी को थोड़ा कंफ्यूज बनाते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड को जो इसकी एक्चुअल प्रॉपर फंक्शनिंग है उसको देखकर हम स्टोरी क्रिएट करते हैं। समटाइम वी थिंक अबाउट डेफिनेटली अबाउट पास्ट एंड वी ड्वेल इन फ्यूचर, वी लिव इन प्रेजेंट एंड समटाइम्स वी ड्वेल जंप इनटू द फ्यूचर। तो तीनों चीज़ों को जब मिलाकर हम कोई स्टोरी क्रिएट करते हैं तो हमारी ये स्टोरी बनती है नॉन लीनियर प्लॉट की, जिससे मैंने एग्जांपल भी दिया उसका कि वर्जीनिया वूफ का जो एक नॉवल है टू द लाइट हाउस, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बेसिस पे ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि देर आर थ्री फेसेस, द विंडो, टाइम पासिस एंड टू द लाइट हाउस। मैंने उनको एग्जाम्पल देकर उनको कन्विंस किया, उन्होंने कहा ठीक है, वेरी गुड तो कर रहे थे, लेकिन मैं रिजल्ट नहीं बता रहा अपना फाइनल कि मैं पास हुआ नहीं पास हुआ, तो इस बात को आपने देखना है। उसी हवाले से उन्होंने फेवरेट यानरा का पूछा कि भाई, उन्होंने मुझे ऑप्शन भी दिए कि आपका फेवरेट यानरा कौन सा है, कि आपको पोइट्री है, नॉवल है या ग्रामर है, मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम कहें सिंपली। तो उसके अंदर मैंने उनको नॉवल बताया कि नॉवल इज माय फेवरेट यानरा बिकॉज आई हैव बीन रीडिंग नॉवल, ये जिसे हम नॉन फिक्शन कहते हैं, प्रोज में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो मेरी फेवरेट है, क्योंकि मुझे अच्छा। उन्होंने पूछा क्यों है, मैंने उनको बोला कि भाई एक तो पढ़ने में मज़ा आता है, डिफरेंट एक्सप्रेशंस पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है, नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होती है, और दूसरा सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि मुझे स्टोरीज पढ़ने का बड़ा शौक है, आई लव टू रीड एंड टेल स्टोरीज। मैं सुनता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, और बताने में मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं जो है ना प्रोज मेरी फेवरेट है। तो उन्होंने पूछा कि चलो भाई नेम सम पाकिस्तानी नॉवलिस्ट। तो पाकिस्तान नॉवलिस्ट मैंने पढ़े हुए थे उस वक्त, तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि कौन पाकिस्तानी नॉवलिस्ट है, या कोई ऐसे वैसे अपने अहमद अली है, बिप्सा सिद्धवी है, मोहसिन अली है। तो मैंने उनको बताया कि बिप्सा सिद्धवी बेप्सी सिद्वा जो है तो वो पाकिस्तान नॉवलिस्ट है, हालांकि वो शी एक्चुअली इज़ फ्रॉम पाकिस्तान नाउ, शी लिव्ड इन अमेरिका। तो उनके मैंने वर्क्स बताया जो क्रो ईटर थे, द ब्राइड था, आइस कैंडी मैन था, उस हवाले से। तो उन्होंने सवाल किया कि भाई अच्छा जो अहमद अली का एक नावल था, उन्होंने कहा नेम अ नावल फ्रॉम अहमद अली, तो वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा था जो ट्वाइलाइट इन दिल्ली लिखा है। मैंने कहा, मैंने उनको स्टोरी प्लॉट बताया कि प्लॉट में ये चीज़ें, निहाल जो कैरेक्टर बहुत बड़ा मशहूर उसके अंदर, विच इज़ द साइन ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर इन सब कॉन्टिनेंट। तो उस हवाले से मैंने इनको बताया कि ये चीज़ें, लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, और मुझे बाद में याद आया इंटरव्यू के बाद। तो उस हवाले से उन्होंने मुझसे पूछा कि वाट इज़ द स्टोरी ऑफ ब्राइट, जो ब्राइड बेप्सी सिद्वा का एक नॉवल है। मैंने कहा इट इज़ रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान, दैट अ गर्ल हु गेट्स मैरिड एंड सफर्स अल्टीमेटली द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हर लाइफ। तो ये इतना ही मैंने बताया, क्योंकि उस वक्त कोई
मतलब अच्छे अच्छे जो प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इस नॉवल के इस इंटरव्यू के कमरे में जाते ही मतलब वो एक खाली बर्तन की तरह हो जाते हैं, सब कुछ लीक आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बरकरार रखना। फिर वो उन्होंने जंप किया भाई ग्रामर की तरफ, उन्होंने पूछा क्लास किसे कहते हैं, व्हाट इज़ अ क्लास। क्लास मैंने बताया, इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंसेस व्हिच हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, द पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो, सॉरी अच्छा क्लास ये होता है जिस सब्जेक्ट और वर्ब भी हो। तो उन्होंने एग्जाम्पल पूछे, मैंने एग्जाम्पल में ये बताया कि एक इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, दूसरा डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, मैंने इनके भी एग्जाम्पल्स बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अच्छा ये क्या कर रहे थे, हर क्वेश्चन में जैसे मैंने उनको सही डेफिनेशन किसी भी सवाल की बताई या कोई मैं सही मतलब बताने की शुरुआत की तो वो मुझे कट कर रहे थे, दे वर इंटरफियरिंग माई आंसर, सो हैंस दिस वॉज ऑल अबाउट वट वॉज गोइंग इन द इंटरव्यू। उनके उन्होंने बाद में पूछा कि भाई कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं और इनके कोई मिसाल है, तो मैंने बताया स्ट्रक्चर बताया, फर्स्ट कंडीशनल टाइप वन, कंडीशनल टाइप टू, कंडीशनल टाइप थ्री, जैसे मैंने कंडीशनल टाइप वन बताया और मिसाल बताया और टू की मैंने डेफिनेशन कर ही रहा था तो उन्होंने मुझे इंटरफियर किया। तो उन्होंने पूछा कि भाई चलो टेल अस व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर, मैंने 5-6 क्वालिटीज तुरंत बताई क्योंकि मैं ये तैयारी करके गया था, भाई ही इज़ अ गुड कम्युनिकेटर, कम्युनिकेशन स्किल मतलब उसके अच्छे हो, ही शुड बी एन एक्टर, ही शुड बी अ फैसिलिटेटर, ही शुड बी वेल प्लान्ड, मतलब अच्छी प्लानिंग हो उसकी, ये क्वालिटीज़ होती हैं अच्छे इंग्लिश गुड इंग्लिश टीचर की, मतलब उनको अपनी सब्जेक्ट की मतलब इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में इंग्लिश टीचर की मैं क्वालिटीज़ बता रहा हूँ, अपनी उसकी इंग्लिश लैंग्वेज की तारीख उसे पता हो, वेल रेड मतलब। अच्छा, तो डायलेक्ट और एक्सेंट का डिफरेंस भी वो था, मैं डायलेक्ट इज अ बिगर टर्म व्हिच अप्लाइज टू अ सोशल ग्रुप, एक सोशल ग्रुप का मतलब डायलेक्ट होता है और एक सिंगल पर्सन का इंडिविजुअल का एक्सेंट होता है। तो एक्सेंट डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन एंड डायलेक्ट इज अ पैटर्न ऑफ साउंड व्हिच इज शेयर्ड बाय सोशल ग्रुप। तो दिस वेंट वेल। अच्छा, उसके बाद उन्होंने पूछा भाई लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है ठीक, उसके बाद मैं थोड़ी कुछ टिप्स बताऊंगा। उन्होंने लास्ट सवाल पूछा कि भाई व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, तो मैंने जो पहला जवाब दिया उन्होंने उनको रिजेक्ट किया, मैंने कहा सर आई मीट ऑल दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीइंग अ गुड इंग्लिश लेक्चरर सो आई शुड बी कंसीडर्ड एज टॉप प्रायोरिटी। वो कहते हैं ये तो जवाब सबने दिया कि हम सारी रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। मैंने कहा सर मेरा एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, सखर के मेरिटोरियस इंस्टीट्यूट आईपी यूनिवर्सिटी के एक मैंने स्कूल में पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर आई हैव अर्न्ड बेस्ट टीचर अवार्ड एज वेल। उन्होंने कहा नहीं, एक्सपीरियंस वाले सब हैं, आप में कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ है जो आपको हम जो है सिलेक्ट करें। मैंने कहा मैंने एक बुक लिखी है फ्रॉम स्लम्स टू द गैलेक्सी। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, मैंने कहा वो रिव्यू हो चुका है उसका, लॉट ऑफ करेक्शन इज नीडेड बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट अटैम्प्ट मैडन अटैम्प्ट। तो उन्होंने पूछा कि किस बैकग्राउंड में आपका बुक लिखा हुआ है, वो मैंने सारा बैकग्राउंड मैंने उनको बताया कि यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड पे लिखा हुआ है जिसके अंदर एकेडमिक एक्टिविटीज़ के मतलब एकेडमिक एक्टिविटीज़ एक रास्ता था और दूसरा रास्ता मैंने जो अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी यूनिवर्सिटी के अंदर वो सारा एक उसका एक कलेक्शन है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, उन्होंने कहा कुछ और बताओ जो आप में मतलब डिफरेंट हो। तो मैंने कहा सर ऐसा तो कोई ख़ास डिफरेंट नहीं है, मेरी एजुकेशनल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, उन्होंने बातचीत की कि अच्छा जब मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो लास्ट में, सबसे लास्ट में मेरा इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने पूछा कि भाई आप हमने आपको लास्ट में बुलाया, 3-4 घंटे आपको इंतज़ार करवाया, आप कैसे फील कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर आई एम एक्सीलेंट, आई एम फीलिंग वेरी गुड, आई एम नॉट बोर्ड, आई एम नॉट एग्जॉस्टेड, I'm feeling very good because I had to show hope, aspiration and confidence, utter confidence. So I communicated with a stable exposure. अच्छा, तो एक और बात है जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, वो ये समझते हैं कि भाई डेमो देना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस एक्सपीरियंस में मुझे ये, क्योंकि मैं भी डेमो की तैयारी करके गया था, टॉपिक जो था पेंटामीटर इन पोइट्री, वो मिसालों के साथ मैं जो है तैयारी करके गया था, लेकिन वहाँ पर कोई डेमो नहीं था। उनका जो रूम है परमानेंट वही रूम है, उसी रूम में बैठकर वो इंटरव्यू करते हैं, वहाँ पर ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, कुछ भी नहीं लगा हुआ वहाँ पर। तो डेमो एफपीएससी के इंटरव्यू में नहीं होता, एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन केपीके की कमीशन में हो सकता है, लेकिन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई डेमो नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और आखिर में सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज वुड बी कमिंग टू यू ड्यू ऑन टाइम इफ यू सब्सक्राइब. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. God bless you.